हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम जाने वाले एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम कभी नहीं गए, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी कार में, मेरे फ्रेंड लोग भी मेरे साथ हैं, और हम यहाँ से जाने वाले हैं एक अच्छा सा व्यू देखने के लिए। वो व्यू क्या है वो सरप्राइज़ है, आप सबको बताएंगे। अभी हम सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, हम अपनी कार में निकल चुके हैं, तो हम यहाँ से जाने वाले हैं एक अनोखा बीच देखने के लिए, जहाँ पे हम जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, वो जाके आपको सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन अभी आप कार के अंदर का जो व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। हम ऐसी ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ मैंने अभी तक नहीं देख पाई, क्योंकि पहले मैं गोवा में रहता था, तो गोवा में मुझे इतना घूमने का मुझे मौका मिला गोवा में मिलने का मौका मिला नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं चलता हूँ कन्नूर, केरला जाने का मन बनाता हूँ। तो मैं आया केरला, केरला से मैंने यहाँ पे अपना जॉइनिंग किया, काम पे शुरुआत की। फिर मेरे यहाँ पे रहती है संडे को हाफ डे, हाफ डे के बाद मैंने सोचा चलो घूमते आते हैं, सारा दिन काम पे बिजी रहते हैं। तो मैंने प्लानिंग किया घर पे बैठ के चलते हैं आज घूमने के लिए। तो हम घूमने के लिए निकल गए हैं और फ्रेंड लोग भी साथ में हैं, तो चलते हैं। यहाँ पे साथ में थे तो हम निकल चुके थे कार में अपनी। तो यहाँ मैं अपने जुल्फों को उठा उठा के फेंक रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाल हो गए बहुत बड़े, तो मैं अपने बालों को बार बार सब फिर मैंने सोचा कि अपनी जुल्फे बहुत बड़ी हो चुकी है, तो बार बार दिखाना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मैंने कैमरे को किया बार, और बाहर मुझे देखे ऐसे अच्छे 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 व्यू जो दिख रहे हैं आपके सामने, कितने अच्छे यहाँ पे हरियाली है, मेरे को यहाँ के सबसे ज्यादा लगते हैं। तो फिर मैंने कैमरे को किया वापस अंदर, मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि आज तूने बहुत ही अच्छा लुक्स बना रखा है, तो कैमरे को वापस अंदर कर और हम दोनों की फ़ोटो ले। और मैंने वैसा ही करते हुए, डांस करते हुए अपने फ्रेंड के साथ अपनी वीडियो बनाई, और वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं अपने ब्लैक ड्रेस कोड को, और साथ में मेरा फ्रेंड भी बैठा है, हम डांस भी कर रहे हैं एक साथ में। फ्रेंड बोला कि अकेले की वीडियो मत लिया कर, मेरी भी वीडियो लिया कर, मुझे भी फेमस किया कर साथ में। तो मुझे आई हंसी, फिर मैंने किया डांस दोनों ने एक साथ में। मैं बैठे बैठे हो रहा था बोर, तो मैंने सोचा बना दू एक रील्स, जो रील्स मैंने चढ़ाई अभी इंस्टाग्राम पे करने वाला हूँ पोस्ट। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं फोटो शूटिंग करते करते मैंने देखा यहाँ का व्यू, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग यहाँ का व्यू। देख सकते हो टीवी मूवी में जैसा ऐसा सीन दिखाता है, वैसा ही सीन मुझे दिख रहा है आज भी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे करते हैं हम अपनी फ़ोटोशूट। तो मैंने पीछे देखा तो एक बंदा मेरी बना रहा है वीडियो, वो अपनी वीडियो में कर रहा है एडिटिंग करेगा, फिर उसको चढ़ाएंगे इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपने एक बनाता हूँ वीडियो, तो वीडियो बनाते बनाते मैं आ गया दूर उस बीच की ओर। बीच के पास मैंने बनाया एक स्लो मोशन वीडियो जिसमें अपने इंस्टाग्राम पे करने वाला हूँ पोस्ट। मुझे लगा बहुत ही अच्छा, मैं इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चलते चलते आ गया बीच पे, और बीच का वीडियो आपको दिखेगा थोड़ी ही देर में अभी गाइस। तो दोस्तों, हम उस बीच पे पहुंच चुके। इस बीच को देखते ही मेरे मन में एक ही सवाल आया कि कितना अमेजिंग व्यू यार, पीछे का व्यू देख सकते हो सूरज डूबने का। फिर हम जाएंगे उस पहाड़ पे थोड़े करेंगे एंजॉय, फिर थोड़ी मस्ती, फिर फोटोशूट करेंगे। फोटोशूट करते करते मुझे यहाँ पे कुछ नए नज़र आए, देख सकते हैं मेरे पीछे इस बंदे की है शादी के लिए कर रहा है सूट करेंगे। फिर हम जाएंगे वहाँ पे पानी में, थोड़ा स्नान वान करेंगे, पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। उसके बाद मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा सुकून, और कुछ नहीं लगा यहाँ पे आने का। मुझे यहाँ पे देखी कुछ बोट्स के पास में कुछ लड़के वो खेल रहे थे फुटबॉल पानी में, वो भी पानी में मुझे खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैंने देखा आसपास का व्यू जहाँ पे हम जाने वाले हैं, जैसा फिल्म और मूवी में बताया जाता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ का व्यू देखा तो मुझे बहुत ही अमेजिंग यहाँ का व्यू लगा। फिर मैंने देखा बोट्स यहाँ पर पड़ी है, उसके ऊपर चल रही है फ़ोटोशूट।
जैसे करके हम पहुँचे उस पहाड़ी वाले इलाके में। वहाँ पे देखा हमने बहुत ही शानदार पत्थर, पत्थर के ऊपर हम बैठ के कर रहे थे फोटोशूट। तो फोटोशूट करते करते आया केकड़ा, केकड़ा जा लगा मेरे फ्रेंड को, मेरा फ्रेंड चिल्लाया ज़ोर से। फिर हमारा चल रहा था फोटोशूट, फोटोशूट करते करते मुझे चिल्ला के बोलने लगता हूँ अपने कैमरे पे एक छोटी सी मिनी वीडियोज़। तो मैंने मिनी वीडियोज़ लेके अपने भैया ने बताया कि आसपास का व्यू आप देख सकते हो, पीछे कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हवा के साथ साथ मेरा मन भी डोल उठा। तो मैंने सोचा कि इस पत्थर पे जाके बैठ के हमारी फ़ोटोशूट तो हो चुकी है, तो हमारे फ्रेंड लोगों को उनको कर दे दो। तो मैंने बताया अपना आसपास का पूरा व्यू, और मेरे पीछे पेड़ आप देख सकते हो, किसी ने बताया ये सीताफल का पेड़ है, किसी ने बताया अनार का पेड़ है। तो गाइस आप सब कमेंट करके बताना ये कौन सा पेड़ है। तो मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा है, मन करता है यहीं पे बिस्तर लगा के सो जाऊं। फिर मैंने सोचा कि हमें घर भी जाना है, यहाँ पे बहुत सारे समुद्री जीव भी है, वो हमें काट ना ले। मैंने यहाँ पे आके देखी है स्टार फिश। तो मुझे हम सब की हो चुकी है फ़ोटोशूटिंग पूरी हो चुकी है। तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा यहाँ पे फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलते खेलते मैंने उस पर्सन को देखा, तो बहुत ही अच्छे से वो खेल रहा था, मुझे थोड़ा अच्छा लगा उसका गेम। फिर मैं उसके पास गया, फिर मैंने भी एक दो किक मारे, फिर मैं आसपास का व्यू देखने लगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं गोवा में जितना नहीं घूम पाया, यहाँ के उतना मैं घूम पा रहा हूँ, क्योंकि गोवा में मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैंने यहाँ आके मुझे हाफ डे मिलने लगा, तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा घूमा, बीच देखे, यहाँ के लोग देखे, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा, जैसे मैं फिल्मों और मूवी में देखता था साउथ की, वैसा ही सीन यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़र आता है। तो चलो मैं आपको आगे का भी व्यू दिखाता हूँ गाइस, देखना चाहते हो। हमने देखा आगे का व्यू, तो आगे का व्यू देख के मुझे लगा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे लोग खोल रहे हैं फुटबॉल। आप मेन बात तो ये देखिए झील को, झील जब साउथ की मूवी में बताया जाता है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है, जब आप रियल में देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक कार पड़ी और फोटोशूट भी कर रहा है। फिर मैंने देखा यहाँ की व्यू के पहाड़ी इलाकों को, फिर मैंने सोचा कि यार गोवा में जितना नहीं घूम पाए, यहाँ पे इतना घूम पा रहे हैं। और इस बीच का नाम है चल बीच, जो कन्नूर यानी केरला में आया हुआ है। आप कभी भी विजिट